नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल के दौरे पर आज शिमला पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर। राष्ट्रपति 17 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र करेंगे संबोधित। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ही मिलेगा विधानसभा परिसर में प्रवेश। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण आज। मंत्रिमंडल में हो सकती है सभी पुराने मंत्रियों की छुट्टी। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को विदेश मंत्री अजय शंकर ने किया संबोधित। कहा, देश आगे बढ़ेगा तो बढ़ेंगी क्षमताएं, होता जाएगा और लोकतांत्रिक। राजनाथ ने भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार और उद्योगों के बीच बड़ा विश्वास। अमेरिकी राजदूत से मुलाकात के बाद नितिन गडकरी का बयान। कहा, व्यापार पूंजी को चीन से भारत में करना चाहते हैं स्थानांतरित। टाइम पत्रिका ने जारी की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची। भारत में पीएम मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला के नाम शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ की विधानसभा स्पीकर को नसीहत। पत्र लिखकर कहा, संवैधानिक मानदंडों का करें पालन। उपचुनाव को लेकर मस्जिद के बाद अब गुरुद्वारे पहुंची ममता बनर्जी। का किसान आंदोलन का मेरा समर्थन, कृषि कानून हो रद्द। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा। राजमार्गों सहित 150 से अधिक सड़कें अवरुद्ध, यातायात प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में आज से 2 दिन तक तेज बारिश के आसार। लगातार बरसात से टूट सकता है पुराना रिकॉर्ड, येलो अलर्ट जारी। हरियाणा सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 7 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों का किया तबादला। सीडीएस विपिन रावत ने वायु शक्ति को मजबूत करने पर दिया जोर। बोले, रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा है भारत। दिल्ली में 1 अक्टूबर से निजी दुकानों पर नहीं होगी शराब की बिक्री। सिसोदिया बोले, 17 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति। मंगल ग्रह पर मानव बस्तियों को जोड़ने के लिए चीन बना रहा है ड्रोन। ध्वनि गति से 5 गुना तेज होगी ड्रोन की स्पीड। राष्ट्रपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रचा इतिहास। कैनेडी स्पेस सेंटर से 4 आम नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने नई साझेदारी की ओर बढ़ाए कदम। हिंद प्रशांत क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा वाली पनडुब्बियों पर फोकस। फ्रांसीसी सेना ने इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अदनान अबू को किया ढेर। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर दी जानकारी। तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने वीडियो किया जारी। आपसी फूट और घायल होने की खबरों को बताया अफवाह। धोखेबाज चीन ने अब नेपाल की जमीन पर किया कब्जा। पीएम देउवा ने विवाद सुलझाने के लिए बनाई कमेटी। बिना अनुमति के भारत में फंड नहीं दे पाएंगे 9 विदेशी एनजीओ। एफसीआरए के तहत की गई कार्रवाई के बाद केंद्र ने लगाई रोक। इसमें बच्चों के टीकाकरण का इंतजार बहुत जल्द होगा खत्म। बीमार बच्चों की बन रही सूची, 2 सप्ताह में दिया जाएगा अंतिम रूप। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 30,570 नए मामले, जबकि इस दौरान 431 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में कोरोना से अभी तक 3,25,60,000 लोग हुए ठीक, जबकि 4,43,928 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में अब कोरोना के बचे सिर्फ 2 मरीज। आईसीयू बंद, वेंटिलेटर खाली, डॉक्टरों ने जताई खुशी। आंध्र प्रदेश में आपदा अलर्ट के लिए सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली शुरू। आने वाली आपदाओं के बारे में लोगों को समय रहते मिलेगी सूचना। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश और राकेश टिकैत पर साधा निशाना। बोले, वोट काटने नहीं, मुसलमानों को हक दिलाने के लिए लड़ रहे चुनाव। हरियाणा भाजपा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी ने पंजाब सीएम पर उपद्रव फैलाने की साजिश पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, किसी कार्यक्रम में जाने से पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं शिवराज के मंत्री। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से की मांग। बोले, 4,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की दी जाए मंजूरी। भवानीपुर उपचुनाव के लिए आयोग ने नियुक्त किया पुलिस पर्यवेक्षक। भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने और केंद्रीय बलों की तैनाती की रखी मांग। किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी। बोली, अब बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया तो खत्म कर लेंगे संबंध। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से परेशान हुई दुनिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुलाई आपात बैठक। बिहार में एक शख्स के खाते में अचानक आए 5.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए पैसे बताकर बैंक को लौटाने से किया इनकार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यूपी चुनाव को लेकर दिया बयान। बोले, भाजपा के सहयोग से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरपीआई। सीएम योगी ने अब्बा जान वाली टिप्पणी को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। बोले, मुसलमानों का वोट चाहने वालों को अब्बा जान से परहेज क्यों। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने 2025 तक प्रदेश में टीबी मुक्त करने का किया दावा। मंगल पांडे बोले, शिविरों का आयोजन कर शुरू करेंगे जांच की सुविधा। भाजपा सांसद ने तालिबानी शासन से की राजस्थान सरकार की तुलना। बाबा बालकनाथ बोले, गहलोत सरकार में तेजी से बढ़ा अपराधों का ग्राफ। राजस्थान रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करना पड़ेगा महंगा। विभाग ने 2,000 रुपए तक का जुर्माना वसूलने का दिया आदेश। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य अर्पिता घोष ने दिया इस्तीफा। घोष के इस्तीफा से टीएमसी समेत उनके विरोधी चकित। फरवरी 2022 में शुरू हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। सोनी वैष्णव बोले, सुधारों तथा संरचनात्मक बदलाव पर विचार जारी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों के व्यवहार पर जताई नाराजगी। हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई को किया स्थगित।
केरल सीएम पिनराई विजयन ने बिशप जोसेफ को लेकर दिया बयान, बोले नारकोटिक जिहाद संबंधी टिप्पणी पर नहीं होगी कार्रवाई। हरियाणा सरकार ने किसानों से बातचीत करने के लिए गठित की समिति, कुंडली सिंधु बॉर्डर पर नाकाबंदी हटाने को लेकर करेगी बात। आयकर विभाग की पोर्टल पर अभी भी दिक्कतें जारी, सरकार द्वारा इन्फोसिस को दी गई सुधार के लिए समय सीमा हुई समाप्त। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपराज्यपालों को किया संबोधित, बोले सही किसानों तक पहुंचना चाहिए केंद्रीय योजनाओं का लाभ। पूर्वी भारत में 18-19 सितंबर को भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बनने को बताया कारण। संबित पात्रा ने फर्जी हिंदुओं वाले बयान को लेकर राहुल प्रसाद का निशाना, बोले बेटे की नासमझी से किसी की शक्ति कम हुई है तो वो है सोनिया गांधी। यूपी राजभवन में स्थापित होगी भगवान शिव की प्रतिमा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया भूमि पूजन। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष ने किसी दल से गठबंधन से किया इनकार, रविंद्र रैना बोले अपने बलबूते ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।